ये लो मैडम, इसकी जरूरत नहीं। रखो। साफ साफ चोरी का मामला है और ये दो लोगों का काम। देर रात खाली घर समझ कर के घुसे बालकनी से, लेकिन घर के मालिक ने धर लिया, हाथापाई हुई और इन भाई साहब ने भी खूब हाथ पर चलाए। लेकिन वो दो थे इसलिए भारी पड़ गए और चाकू मारकर पीछे के रास्ते से कट लिए। के बाद जब रात भर बारिश हुई थी ना, छत लीकेज हुआ है। आसपास जरा पता कर, शाम तक पकड़ लेंगे। सब गलत। जय हिंद। जय हिंद। ये कौन सा तरीका है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने का? ग्लव्स कहाँ आप लोगों के? जी। एसआई शिवानी माथुर, कमिश्नर साहब ने भेजा है। एंट्री मेन डोर से ही हुई है। पहला स्ट्रगल यहाँ लिविंग रूम में हुआ, फिर विक्टिम बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागा। किलर ने यहाँ से वाज उठाया और विक्टिम को वहां फेंक के मारा। विक्टिम उस शीशे पे आकर गिरा। फिर एक और स्ट्रगल होते होते दोनों ने एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश की। फाइनली किलर ने वेपन यूज किया एंड विक्टिम मर्डर। वेपन मिला? नहीं मैम। फिर शुरू हुआ कवर अप। सारे निशान मिटाकर बॉडी को बाथटब में डाला, फर्श पर पानी डाला ताकि ना उंगलियों के निशान मिले ना पैरों के। छत में लीकेज होती तो सीलन दिखती। One set of footprints. मतलब अटैक कर एक ही था। अंदर मेन डोर से ही आया था, पर बाहर यहां से क्यों गया? सस्पेक्ट एक स्मार्ट क्रिमिनल माइंड है, फॉरेंसिक की नॉलेज रखता है। वेल प्लान मर्डर लग रहा है। ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं बना जो पीछे सबूत ना छोड़े। जय हिंद। कितनी भी कोशिश कर। हाँ, ऐसे पुलिस वाले जरूर बने जो सबूत ढूंढ ना पाए। केसला पेट आ रहा है तुम्हारा? सॉरी सर। तुम भी जॉगिंग किया करो। बॉडी आइए सर। सर आकाश सरदार। घर में और कौन कौन था? सर वैसे तो अकेला ही रहता था, लेकिन एक बहन है जो सहारनपुर में रहती है। इन्फॉर्म कर दिया है, पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। गुड। वेपन? अभी तक तो नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं। सर घाव काफी गहरे, किसी शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, कोई रेगुलर चाकू या छुरी नहीं है। आई अश्योर यू शाम तक आपको वेपन की प्रोफाइल मिल जाएगी। सब मुझे लगता है इसला चाय बोल यार। सर चाय। अरे वाह गुप्ता। सब मुझे लगता है मोटिव पर्सनल है। लगता है? देखिए ऐसा ही माथुर, हम एजम्पशंस पे नहीं हार्ड एविडेंस के बेसिस पर काम करते हैं। आपको कमिश्नर साहब ने पर्सनली नियुक्त किया है इस केस पे, तो जाइए इन्वेस्टिगेशन करिए, एविडेंस ढूंढिए, रिपोर्ट लेके आइए। शाम को ठीक 6 बजे यहाँ से काम करके निकल गए। तब तक तो भैया ठीक थे, टीवी देख रहे थे। और आदमी कैसा था?
भले ही आदमी थे मैडम, किसी से तेरी मेरी नहीं, सारा दिन बस चुपचाप बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम। किसी से दुश्मनी? घर में कौन कौन है? आकाश, मॉम डैड दोनों नहीं। आकाश का किसी गलत लोगों के साथ उठना बैठना? नो मैम, वो यहाँ हार्डली किसी को जानता था। बस 4 महीने पहले वो यूएस से वापस आया था। आफ्टर हिज डिवोर्स। डिवोर्स? ही ऑलवेज वांटेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। हिज वाइफ डिडंट। काम क्या करता था? टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसी काम के लिए उसने फैमिली अकाउंट से रिसेंटली कुछ पैसे भी विड्रॉ किए थे। कितने? 20 लाख। मैम कैश तो नहीं है? सीसीटीवी तो 2 महीने से खराब पड़ा है मैम। कल रात को बंगला नंबर 22 में कोई आया था? नहीं। हाँ हाँ हाँ, देर रात को 12 बजे के करीब कुछ शराबी बाहर वाली सड़क पे हल्ला कर रहे थे, पर अंदर कोई नहीं आया था, हमने सबको भगा दिया। कल रात की रजिस्ट्री एंट्री चेक करो, देखो कौन कौन आया था, और सारे ओनर्स को पूछताछ के लिए थाने बुलवा। जी मैडम। बुधवार रात 12 बजे कहाँ थे? घर पे ही थे, पर मैडम जी हम तो 10 बजे सो जाते हैं। नो मैम, मैं वहाँ नहीं था, दैट इज माय हॉलिडे होम, सिर्फ छुट्टियों में जाना होता है वहाँ। हम तो घर पर ही थे जी, हमारा मूवी नाइट था, नया नया होम थिएटर लगवाया। आउट ऑफ टाउन थी, आज ही सुबह लौटी। मेरे पीछे कुछ एक्साइटिंग हुआ क्या? आकाश सरदाना को जानते हो? कैसा आदमी था? यो मॉर्निंग वॉक के टाइम दिखता था, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई उससे। नो मैम, आई डिडंट नो हिम, आई हैव सीन हिम इन द सोसाइटी गैदरिंग्स, नाइस गाय। जिम में देखा था एक दो बार, पर कभी बात नहीं हुई। कितना हैंडसम है, अब सॉरी मेरा मतलब है था। मैं तो अपनी भांजी का रिश्ता लेकर जाने वाली थी, फिर पता चला डिवोर्स ही है। बंगलो नंबर 22 में किसी को देखा, कुछ सुना? नो मैम। अच्छा, वहाँ पे कोई रहता भी है? मैम आप मुझे शाम तक का टाइम दे दो, मैं पता करती हूँ। नेक्स्ट। मैडम ये मेहता जी, 21 नंबर बंगला इन्हीं का है, आकाश के बगल वाला। बता आप। जी मैम, मैं वेनसडे नाइट वहीं पे था, बट आई स्वेयर हमने कुछ नहीं देखा। हमने? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, बस इसलिए मैं उसके साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड करते नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा। तुम्हारा फोन दिखाना। सर 2 दिन हो गए, पता नहीं मैडम कौन सर्कस चला रही है। सर अगर आप कहें तो। अरे यार केसला, पवेलियन में बैठकर मैच देखने में क्यों तकलीफ हो रही? तो क्या नया जोश है, थोड़ा जोर मार ले। सर इनके बस की बात नहीं, अभी तक एक लीड मिली है। सर एक लीड मिली है सर, मर्डर वाली रात आकाश के घर के सामने एक कपल प्रेजेंट था, मैंने उसका फोन चेक किया तो ये मिला। 2 बच्चे प्रोफाइल पर डालने के लिए सेल्फी निकाल रहे हैं। तो सर लेफ्ट में जूम कीजिए, ये आकाश की बालकनी है, ये फोटो रात को 12 बजे वेनसडे ली गई थी। मैंने फोटोज हेडक्वार्टर्स फॉरवर्ड कर दी है, कुछ ही देर में क्रिमिनल आइडेंटिफाई हो जाएगा। सर आप जानते हैं इसे? उम्र 28 साल, इंजीनियर है, गुड़गांव सेक्टर 22 में रहता है। किसला? जी सर। आधार डेटाबेस एड्रेस कंफर्म करो, उठा के लाओ इसे, और ये फोटो मेरे फोन पे भेज दो। सर साइकिल तो गया। अर्जुन साइकिल? यस। क्वेश्चनिंग के लिए सेक्टर 30 स्टेशन चल रहा है।
सुनो यार, दरवाजा खोलो यार। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? रूटीन क्वेश्चनिंग बोल के 5 घंटे निकल गए। मैम व्हाट इज ऑल दिस? मेरा फोन भी नहीं दे रहे, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। मैम दे देंगे, फोन भी वापस दे देंगे और लॉयर भी आ जाएगा। आपको क्या चाहिए सर? आकाश से क्या प्रॉब्लम है तेरी? कौन आकाश? आकाश सरदाना, बंगलो नंबर 22 ग्रीनफील्ड सोसाइटी। मैं किसी आकाश सरदाना को नहीं जानता। बुधवार 2 तारीख की रात को 12 बजे कहाँ था तू? ऑफिस में पार्टी थी। अपनी पार्टी से जल्दी निकल गया क्यों? यार कल सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्री करानी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन तेरी कोई लैंड रजिस्ट्री है यही कहकर निकला था ना तो पार्टी से, फिर सुबह रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा ही नहीं। झूठ क्यों बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रजिस्ट्री कैंसिल करी थी। अब सीधा सीधा बताइए ना सर, किस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप? अरे केसला बस कर यार, मार देगा कैसे? हाँ तो 10:30 बजे तू अपनी ऑफिस के पार्टी से निकला। ऑफिस से तेरे घर पहुंचने में 1/2 घंटा लगता है लेकिन तेरे बिल्डिंग के CCTV कैमरे के हिसाब से तू 2 बजे घर पहुंचा। वो कहाँ चला गया था? मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी रास्ते। कहाँ? नूर मंजिल रोड पे। अरे किसला 3 घंटे लग जाते हैं गाड़ी का टायर बदलने में। सब मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं बस। मेरा जैक खराब था और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था। रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही थी। हाँ तो फोन तो था ना तेरी जेब में? फोन बैटरी डेड थी। फाइनली एक टैक्सी वाला रुका और उसने हेल्प करी। टैक्सी कंपनी का नाम नंबर बता। चल ओला उबर नहीं थी कि डिटेल्स पास हो? सर फुल खेल खेल रहा है यार। उठा है बुधवार रात को आकाश सरदाना का मर्डर हुआ है, स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ तू तो आकाश सरदाना को जानता ही नहीं। ना ही तू कभी ग्रीनफील्ड्स के बंगलो नंबर 22 पर गया, करेक्ट? तो फिर बुधवार रात के 12 बजे तू आकाश सरदाना के घर की बालकनी पर क्या कर रहा था? तेरा खेल खत्म, केस क्लोज। चलो एवरीबॉडी आउट। इस बार नहीं बच सकता तू। करियर वरियर लव लाइफ सब भूल जा, फुल लाइफ जेल में सड़ाऊंगा तुझे। वो मेरा फोटो नहीं है, ऐसे भी मुझे फंसा रहे। He's trying to frame me. इसला चलो फुल एंड फाइल करो, इसका चार्जशीट फाइल करो। सर 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 नीचे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये मजमा क्यों जमा रखा है? कौन मर गया भाई? सर ये रोनी है, पूरा नाम है सूरज राणा, धुत था एकदम नशे में। बॉर्डर नाकाबंदी वालों ने पकड़ा है, कुछ पुलिसकर्मी के साथ इसने बदतमीजी कर दी। और एक को तो चाटा ही कर दिया इसने। वहाँ के एसओचे ने हमारे सर्कुलेट की फोटो देखी और तुरंत इसे यहाँ भेज दिया।
पिंक वाली नहीं, जानवी बैल एटी ऑनलाइन के लिए फिल्म रिव्यू करती है। तू कब से रिव्यू कर रहा है? रोज सुबह शार्प 8:50 लिफ्ट में देखने का चांस मिलता है। अगर लिफ्ट मिस कर गया तो सीधा अगले दिन। वो जानती है मैं उसे देखता हूं। 10th फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते लिफ्ट में बस मैं और वो ही रह जाते हैं। अगले 2 फ्लोर तक फुल ऑकवर्ड साइलेंस। कुछ बात भी होती है, सिर्फ साइलेंट पिक्चर चल रही है। वही ना, कल मैंने फाइनली पूछ लिया, कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कॉफी? ना हाय ना हेलो, सीधा कॉफी। 5 सेकंड में एक ही सवाल पूछ सकता हूँ। कॉफी के लिए यस बोल दिया तो हाय हेलो वहां भी हो सकते हैं। भाई तू सस्पेंस क्यों बिल्ड कर रहा है? वो क्या बोली? तो तुम्हारा सवाल गलत है, सही सवाल पूछो। चल सवाल गलत, भाई जवाब गलत सुना है। ये सवाल कब से गलत होने लगे? चल भाई, यू आर अ फेमिनिस्ट राइट? लड़का या लड़की को क्यों डेट पे लेके जाए? सो वुड यू टेक मी आउट फॉर अ कॉफी? सॉरी, गलत सवाल। अच्छा इक्वालिटी वाला चक्कर है क्या? अच्छा चलो दोनों ही दूसरे को कॉफी पिला देते यार। क्या तुम मेरे साथ कॉफी शेयर करोगी? शेयरिंग इज केयरिंग। यूं तो दे दो। पुरानी कहावत है अपने हिमाचल, जो लड़की पटना ना चाहे वो पीछा भी ना छोड़े। ये बस तेरे मजे ले रही है। मजे ले रही हो ना? टाइम पास कर रही हो मेरे साथ? सवाल तुमसे क्रैक नहीं हो रहा और ब्लेम मुझ पे। वैसे ऑफर अभी भी वैलिड है। कैन वी गो आउट फॉर अ कॉफी? कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कॉफी? विल यू टेक मी आउट फॉर अ कॉफी? सवाल पूछो। शायद चाय पियोगी? कुल्हड़ वाली? यार पर बोल नहीं सकती थी तुम कि तुम्हें कॉफी नहीं चाय के लिए जाना है। ऐसे घुमा घुमा के ना मजा आ रहा था तुम्हें। बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा था। By the way, I'm Arjun Sehgal, civil engineer from IIT Delhi, MBA from RIT Bangalore. Pyramid Heights में lead designer. रहते गुड़गांव में हो, लेकिन travel metro में करते हो। वैसे ब्लू कलर की BMW है तुम्हारे पास, और वो सिर्फ वीकेंड पे टशन मारने के लिए। और ऑफिस तुम्हारा 7th फ्लोर पर है, पर रोज 10th फ्लोर तक आ जाते हो ताकि मुझ पे लाइन मार सको। स्टॉकर है यार तुम तो। कंप्लेंट कर दो पुलिस में। कर दो। चाय। टू स्टॉकर्स। टू स्टॉकर्स। इतनी रात को क्यों बुलाया वे? सबका दिमाग खराब हो रखा है क्या? सॉरी बाजी, मुझे सामान ही कुछ ऐसा है। कौन है? कौन ये बसुड़ी? मुझे है कोई नया पंटर। भरोसे का तो है? भरोसे का तो पता नहीं मैनू, लेकिन मार्केट में रेपो चल रहा है बंदे का।
पाजी 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 वेलकम माय सेल्फ कुलभूषण. ये बाहर वेट कर रहा था क्या? एकदम सही टाइम पे आया. पैदाइशी प्रॉब्लम है, एक मिनट आगे पीछे में कुंडली बदल जाती है. सामान कहाँ है? निकल ले भाई, और तू भी निकल. क्या है ये? मैं भगा इनको, कोई बसूली नहीं चाहिए पुलिस की. सारे दिल्ली में टीटी से कैमरे लगे हुए कि नहीं? काट दिए थे टीटी कैमरे के तार. लाइटों की तार भी काटी. टेम्पो पे नकली नंबर प्लेट. किसी ने घंटा कुछ नहीं देखा. पाजी पकड़े आने का 1% भी चांस नहीं है. बड़े प्लानिंग के साथ किया है. एकदम सेफ हम सेफ है. इतनी प्लानिंग करी थी तो मेरे पास क्या लेने आए? मशीन तो उखाड़ ली पर मॉडल नया है. इसको जबरदस्ती खोलेंगे तो अंदर की मशीन सारे नोट काले कर देगी. आपके पास कोई जुगाड़ होगा, कोई मैकेनिक बंदा? अबे इसमें माल है भी सही. 20 लाख तो होगा. मैं कैसे मान? लगता है न्यूज नहीं देखते हो सेठ. ये देखिए पाजी. तो इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं मानेसर हाईवे के जेपीयू एटीएम से. और जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी एटीएम मशीन को जड़ से उखाड़ लिया गया है. और माना जा रहा है कि एक गैंग है जो मशीन को रीलोड होने के कुछ ही घंटों में उसे चुरा लेती है. और आज इस मशीन में 24 लाख रीलोड हुए हैं. क्या पुलिस इस गैंग को पकड़ पाएगी? देखते रहिए असल टीवी पर. मैं मोना अवस्थी, कैमरामैन अशोक के साथ. ऐसा है, एक लड़का है जो इसको खोल सकता है, लेकिन अंदर से जो माल निकलेगा वो 50-50. ठीक है, डन है. बुलाओ लौंडे को. लौंडा क्या जेब में लेके घूमता हूँ? टाइम देख रहा है, मशीन यहीं छोड़ जाओ. कल आएगा, खोलेगा तो बुला लूंगा तुम्हें. चलो. पिज्जा डिलीवरी वाले लग रहे हैं क्या? आप रहने दो, चलो. भाई पागल हो गया क्या? भाई ऐसी ढील. भाई रुको, एटीएम मशीन किसने चुराई है ये तुम दोनों के अलावा आप दो लोग और जानते हैं. और कल की अखबार में कहीं खबर न छप जाए कि तू एटीएम चोर पकड़े गए. ला भी ला, ये ले 2 लाख हैं, भरोसे के दे रहा हूँ. बाकी हिसाब किताब मशीन खुलने पे कर लेंगे. इतना सोच मत, मुफ्त का ज्ञान और गड्डी जहां मिले ले लेना चाहिए. डन है, पर मशीन मेरे सामने खुलेगी. हाँ तो डन है. क्या बोल रहा था वो? मशीन मेरे सामने खुलेगी. ले, इसके सामने खुल रही. खोल भाई खोल, जल्दी खोल, क्या तकलीफ है? ये क्या बच्चों का मशीन लेके आयो सेठ? नोट्स तो नकली है. हराम खोर, नकली नोट भेजता है? हमने बेवकूफ समझा तूने? तू जाए वहीं से उठवा लूंगा तुझे मैं. अरे तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा. तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूँ. अरे सेठ, क्यों अपनी माँ बहन कर रहे हो? गलत न्यूज देख ली क्या आपने? सही वाला भेज रहा हूँ. कौन लेके आया यार इसको? 2 डायलॉग प्लीज ढंग से बोल ले. उसका ज्ञान और गड्डी तीनों मिल रही थी, ले ली.
So, it's called Fifth Avenue Condos. Total 10 units. Sub 3 BHK premium luxury apartments. So, what do you think? बहुत अच्छा है. पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी अपनी कंपनी का पहला कंस्ट्रक्शन है. Are you serious? Arjun, that's amazing. 3 साल से लगा हूँ, पता है? It's been my dream. कभी-कभी लगता है ओवर एम्बिशियस तो नहीं हुआ? अर्जुन, यहाँ लोग अपना ड्रीम स्टार्ट करने से डरते हैं, और तुम अपना ड्रीम ऑलमोस्ट कंप्लीट करके डरोगे? यार, पूरी लाइफ सेविंग्स लगी है इसमें, मार्केट से लोन भी उठाया है. ये फेल हो गया तो अब लाइफ का हर एक आउटकम प्लान तो नहीं कर सकते ना. और वैसे भी जिस चीज का रिजल्ट पहले से ही पता हो, उसे करने में क्या मजा? हमें ही ले लो. अगर तुम्हें पहले से ही पता होता कि मैं पट जाऊंगी, तो क्या रोज तुम्हें एफर्ट लेके लिफ्ट में सवाल पूछने का मजा आता? सब अच्छा ही होगा. Just believe in yourself. मैं 8 साल की थी जब पापा की डेथ हुई. कुछ साल बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और हम दुबई शिफ्ट हो गए. मैं भी गई थी वहाँ, पर वहाँ कभी वो घर वाली फीलिंग नहीं आई. अब मम्मा से ज़्यादा बात भी नहीं होती, बस हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे पे मैसेजेस आ जाते हैं. But she's happy there with her new family. इसीलिए मैं वापस आ गई. यहाँ कुछ है जो हमेशा वो घर वाली फीलिंग देती है. कुछ नहीं भाई, पापा की याद आ रही थी यार. ये दुकान देख रहा है, उन्हीं की थी. मेरे बूढ़े के जाने के बाद ना मैंने दुकान हड़प ली, चिमनलाल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो जब दुकान अपनी है तो बाहर रेडी पे क्यों पड़ा है? ओ सील कर गए ना ठुल्ले. क्या कांड किया तूने? ओ कुछ नहीं किया भाई, ओ मैं थोक में फोन और टैबलेट बेचा करता था. एक आध बॉक्स के अंदर साबुन की टिकिया टिका देता था, सब करते. एक दिन ना एक गलत आदमी मिल गया. तू उसको देख लेता ना, वो इतना फुद्दू था कि मतलब चौकीदार भी उसका रिश्तेदार ना हो. उसका भाई सेक्टर 25 में ASI निकला. अरे लग गए. तो भाई मैंने हाथ जोड़े, मैंने पैर पड़े, मैंने फ्री फोन भी ऑफर किए. नहीं माना भाई, वो तो मुझ पर केस ठोक दिया. कहता है जेल करवा के छोड़ेगा. कल मेरी आखिरी पेशी है, 4 साल कह रहा लॉयर कम से कम. मैं तो बर्बाद हो गया भाई. ओए चिमनलाल, केस फाइल है. भाई अब तक तो जेल में ना मेरे नाम कैसे क्यों चल गए होंगे? कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा? मुझ जैसे कोमल मुलायम ब्यूटीफुल लड़के को ना ये राक्षस नोच के खत्म कर देंगे. शर्मा जी, एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें. नहीं जी, कोई सेटलमेंट नहीं करनी है जी. 400BC का केस बनता है और सर ने तो डिसाइड कर ही लिया है, इसका एग्जांपल सेट करना ही पड़ेगा. अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे पापा की उम्र के, मैं बच्चा हूं आपका. सूरज तू बच्चा, खा खा के गूंधा हुआ आटा हो गया. तो देखो इसकी, ये तो जेल जाएगा ही जाएगा, सारा एविडेंस इसके खिलाफ है. चलो चलो कोर्ट में मिलते हैं. कौन सा एविडेंस? तू कौन है बे? केस फाइल पढ़ ली आपने? चलो मैं पढ़ाता हूं. अरे एग्जिबिट 11, इस सीजर मेमो में कहा गया है कि पुलिस ने मेरे दोस्त की दुकान से 30 नकली आईपैड के बॉक्स बरामद किए. हां तो नकली आईपैड की चोरी करना कोई क्राइम नहीं है क्या? है ना,
पर नकली आईपैड कहाँ बरामद हुए? नकली आईपैड की डिब्बी लेके है जी सीधर मेमो में। मेरा दोस्त एक कबाड़ी है और एक कबाड़ी की दुकान से तो डिब्बे ही मिलने हैं। 420 का केस ही नहीं बनता है। सही कह रहा है ये? चुपचाप कर लो आउट ऑफ कोर्ट सेटल, वरना अंदर भी खाली डिब्बे ही मिलने हैं। चलो यार। और सर, माना मेरा दोस्त गुंदा हुआ आटा है पर रोटी हक्की खाता है। दो हफ्ते? तुम तो 3 दिन के लिए जा रही थी मुंबई। हाँ, for the college reunion, पर फिर वहाँ से straight दुबई। इसका मतलब तुम मेरी next week की project opening miss करोगी। ये दुबई अचानक कैसे? Mom की 10th wedding anniversary है। 4 साल से मिली भी नहीं हूँ। She won't even expect it. It'll be such a nice surprise for her. तुम भी साथ चलते तो maybe we can tell her about us. क्या? Mom को हमारे बारे में नहीं पता? Mom को क्यों पता होगा? वो तो रोज मुझे नए लड़कों के photos भेजती है। Marriage prospects, you know? See? आज वाला डॉक्टर है। अच्छा? हार्ट सर्जन इन ऑस्ट्रेलिया? वाह यार, इम्प्रेसिव। पर थोड़ा बुड्ढा टाइप है, बाल भी उड़ गए। यू डिजर्व बेटर जानवी। दैट्स ग्रेट, गिव मी माय फोन। मी 1 मिनट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर इन कनाडा। बैंकर है ना, बोरिंग है, नो मैजिक। अच्छा फोन दो यार। अरे से देख लो, रेहान खान, एस्पायरिंग एक्टर। हॉबीज में कुकिंग, ट्रैवलिंग, फिल्म्स। जानवी, फिल्म्स इसे कर लो शादी। आई एम टेलिंग यू जानवी, यू डोंट लाइक दिस गाय, कोई और ढूंढ लेंगे। तो भाई लॉयर के लॉ लगा दिए। कमाल का बंदा है यार तू। 420 फ्रॉडबाजी। ओ आज तो मैं काला जी करके दिखा दी। कहाँ से सीखा भाई सब कुछ? तारीफ कर रहा है, गाली दे रहा है? वो तारीफ कर रहा हूँ यार। आजकल के जमाने में ना कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। भगवान है तू मेरा भगवान। तेरे होते ना मेरा कोई घंटा नहीं उखाड़ सकता। किसके लिए काम करता है? तेरी बीवी के लिए। बच्चे गलत जगह हाथ डाल दिया तूने। जहां जहां तेरी बीवी ने बोला। रोनी, रोनी, भाई एटीएम कार्ड टंग गए। ए भाई, एक कष्ट देना। आप वो सेठ, आपके तो लग गए उस दिन। मुंह का जुलाब कहते हैं इसे। इतनी फटी हुई है फिर भी सलामी तोप से ही देगा। दिख रहा है सेठ इसकी फट रही है। मुझसे पंगा लेने से पहले मेरे बारे में जांच पड़ताल तो कर लेता। ये प्राइस टैग देख रहा है? पूरी दिल्ली में अपनी रेट लिस्ट अप्रूव्ड है। एक एक करके इसके पुर्जे निकाल के बेच दूंगा और पैसे वसूल कर लूंगा। बाकी बची ये चर्बी, काफी है, इंटरेस्ट भी निकल आएगा। ठीक है ना?
का मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसको। देता हूं 20 लाख बोला था ना, तो पूरे 20 ही लूंगा। 20 क्या, चड्डी के लिए मैं 25 दूंगा। आपने बोल दिया मतलब काम हो गया समझो सेठ। सब लुटवा दिया भाई तूने, कौन से लाएगा 25 लाख। Can I help you with that, ma'am? Mani, are you coming? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. अरे आराम से, आराम से। मैं ट्रिप पे नहीं आ रहा हूँ। मैं बस तुम्हें गेट तक सेव करने आया हूँ। What? इसकी क्या ज़रूरत थी? कुछ बात करनी थी तुमसे। Come on. बोलो अब। मुझे कुल्लड़ चाय पसंद नहीं है। आई हेट इट, मिट्टी आती है यार मुझे। और वो फॉरेन फिल्म जो तुम मुझे दिखाती रहती हो बहुत बोरिंग होती है यार, कैसे देख लेती हो तुम? पता है जब से तुमने वो मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स वाले लड़के दिखाए ना, तब से मैं सोच रहा हूँ कि शायद तुम्हारे लिए कोई और ही सही है। You know that magic, जानवी, वो made for each other वाली, couple वाली बात ही नहीं हमें। यही बोलना था तो घर ही बैठते, अपना सारा मुंह लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। वही तो, तुम्हारे साथ ही आती है वो घर वाली फीलिंग। So the question is, will you let me be at home forever? Oh.
जिस दिन मैंने रिंग भी ली थी तुम्हारे लिए पर जल्दबाजी में छूट गई. आई वांटेड दिस टू बी परफेक्ट. इट्स ओके, वापस आऊंगी तब पूछना, पर सवाल सही पूछना. लास्ट चांस टू बोर्ड द फ्लाइट, सोच लो. घूरने से तकदीर और पत्ते दोनों नहीं बदलते. घूर नहीं रहा, नजर लगा रहा. चचो वाले को दे दे. बोला था तुझे मेरे 2 लाख भी गवाएगा तू. अब 13 लाख खाने का क्या लफड़ा मैं नहीं जानती. अब तुम दोनों मेरे पैसे वापस करो क्योंकि वो मेरे हैं. मोटे की किस्मत ने बचा लिया. आ ही गया था वो लपेटे में. तो चुप कर जा यार, लपेटे में हम आ गए हैं. जो बचा कुछ था ना तूने सब गवा दिया. तो क्या सिर्फ अपनी पड़ी है ना. चड्डी डे लंगोड़ी, एक पैसे तो तू हार गया. अब चड्डी में छेद करना शुरू करें. 2 दिन बचे हैं अभी. क्यों, पिछले 5 दिन से अपनी ढुई पारसमणि पे घिस रहा था जो अब सोने की ईंटें हगेगा. तेरी प्रॉब्लम मुझसे है. देख ऐसा है, तुझे तो तेरी जान का डर है नहीं, तेरे दोस्त की जान का तो डर है ना. टाइम से पैसे दे जा और ये अपना कट्टा एक पीस में ले जा वरना इसके कट पीस मिलेंगे. समझ में आ गई टकफोन. में 5th Avenue condos के सारे units have been sold. Here's to the man of the hour, Arjun. Thank you guys. पर इसका credit हम सबको जाता है. So here's to all of us. Cheers. हाँ भाई, कुछ पैसे का जुगाड़ हो सकता है? यार मुझे हफ्ता भर लग जाएगा. यार गले में देखे हो कुछ पड़ा है? अबे यार पहले बताता, अब 1 घंटे पहले ही पेमेंट करी है. दे दूंगा वापस 2-3 दिन में. सिक्योरिटी में क्या रखवाएगा भाई? 2 महीने से धंधा ठप पड़ा हुआ है. टीटू भाई से पूछ लेना. और तेरे को लखा नहीं मिला था क्या पंगा लेने के लिए? तेरे को ना कोई पैसा नहीं देने वाला. भाई मैं निकल रहा हूँ. क्या, ये तेरी पार्टी है?
कल सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्री करानी है। बट तू कंटिन्यू कर एंड मेक श्योर सब टल्ली होके जाए। कूल, ओके, सी यू, बाय बाय। चल बाय गाइस, बाय 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 बाय। रूम में डालो सर। साहब ये जुड़वा है क्या? नाम तो दोनों के अलग हैं। सहगल है, दूसरा राणा। ना बिजू। हाँ नहीं रोबोट। आने आ सकता है अभी? अभी इस वक्त? हाँ अभी। आ जा तुरंत। दो तारीख की रात तो कहाँ था? चड्डी। किसमें था ये नहीं पूछा? कहाँ था ये पूछा? चड्डी। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चड्डी मेरे दोस्त का नाम है, उसी की दुकान में नाम है। एड्रेस लिख। चिमनलाल इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 39, गफार मार्केट। फोन नंबर 9211096। अरे भाई जी, शौक तो बड़े नवाब वाले तेरे, लेडीज रूमाल लेके घूमता है। मेकअप लिपस्टिक भी ला के दूं? इसे लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए। आकाश सरदाना को कैसे जानते हो? कि हस्बैंड है क्या आपके? ये
जो पूछा जाए सीधे सीधे जवाब दे वरना वरना दीदी मानेगी फिर से बहुत जबान चल रही तेरी ना ईके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल रूल्स लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंट कस्टोडियल अब्यूज ऑफ क्रिमिनल्स एंड सस्पेक्ट्स क्या बोला कस्टडी में किसी को भी फिजिकली असॉल्ट करना कानूनी अपराध है रामसागर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अ पर्सन सब्जेक्ट टू वायलेंस इन कस्टडी फाइंड्स नो विटनेसेस बारिंग पुलिसमैन हु हैव अ बॉन्डो ब्रदरहुड ऐसे हालात में ना सिर्फ असॉल्ट करने वाला बल्कि थाने में ड्यूटी पे सभी पुलिसकर्मी अपराध के भागीदार माने जाएंगे ये तो वकील लग रहा है सबके सब फंसेंगे काठी अन्ना ए गुप्ता मार निबाती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा पुलिस कस्टडी में अगर सस्पेक्ट के बदन पे चोट या कोई भी निशान पाया जाए तो वो शख्स मुआवजे का हकदार होगा सस्पेंड तो आप लोग होंगे मैं बल्कि 2-4 लाख कमा के निकलूंगा एक और रुमाल मिलेगा क्या हुआ धीर अच्छा दिखाता हूँ अर्जुन सहगल याद है तुझे हाँ मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है इसकी फोटो भी है हमारे पास क्राइम सीन पर तेरे तो मजे हैं चल दारू पिला आगे तो देख ले चल ये तो कार्बन कॉपी है अब समझा मेरी प्रॉब्लम ये फोटो आप किसी काम की ये तो मुझे भी पता है भिजू सॉल्यूशन निकालना कोई लॉयर तू है यार तू जानता है 8 साल से वेट कर रहा हूं एक मौके का अर्जुन के खिलाफ दो महीने में रिटायरमेंट लेने वाला हूं यार इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा कोई बेवकूफी करके सस्पेंड होने से अच्छा है तू इज्जत से रिटायर हो जा बात को समझ कोई रास्ता निकालना उस दूसरे वाले को किसने पकड़ा है बॉर्डर वाले थाने ने क्यों इसका मतलब वहां उसके अरेस्ट का रिकॉर्ड होगा एक काम कर अर्जुन के अरेस्ट की अपनी एंट्रीज डिलीट कर दे ताकि इसके यहाँ आने का कोई रिकॉर्ड ना रहे फिर देख फ्राइडे तो चला गया सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहेगा मैजिस्ट्रेट वीकेंड्स पे कंप्लेंट्स लेता है पर उसे मैं संभाल लूंगा बिना एविडेंस के कोर्ट चलेंगे तो इनकी बेल पक्की तो मंडे सुबह तक का टाइम है तेरे पास इन 2 दिनों में अर्जुन के खिलाफ जो भी सबूत ला सकता है ले आ बस 2 दिन मैडम आपको क्या लगता है मर्डर किसने किया होगा अर्जुन या सूरज एक मर्डर 2 सस्पेक्ट दोनों हमशक्ल मंडे को कोर्ट में दोनों की पेशी है मतलब सैटरडे संडे 2 दिन है हमारे पास ये पता लगाने के लिए कि इस फोटो में अर्जुन है या सूरज आटी जी इन 2 दिनों में बाहर का कोई आदमी इनसे मिलना नहीं चाहिए और गुप्ता जब तक ये सच नहीं बोलते इनका खाना पीना बंद करो यस सर और सबसे जरूरी बात इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए वरना केस को और भी उलझा सकता है समझ गए चलो फिर कपड़े उतार ये चोट कैसे लगी
कंस्ट्रक्शन साइट पे सरिया लग गया था। कपड़े उतार। हे हे, ज्यादा बॉन्ड न बना, शर्ट उतार। ये चोट कैसे लगी? दारू पी के बाइक चला रहा था, बाइक को थोड़ी चढ़ गई। दोनों के इंजरी के फोटोज वेपन प्रोफाइल से मैच करवा तुरंत। जी मैडम। शिवानी जी, कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? कभी कभी बिना काम के भी याद कर लीजिए हमको, हैं? क्राइम सीन के फोटोज भेजे, देखे आपने? फिर सीधे काम की बात। फोटोज तक तो मैं पहुंचा नहीं, पर आपके लिए उससे भी ऊपर की चीज पेश कर रहा हूँ। विक्टिम आकाश सरदारना के नाखून में से एक बाल का सैंपल मिला है, और वो सैंपल का डीएनए आकाश के कोई भी कॉन्टेक्ट से मैच नहीं खा रहा है। यानी किलर का हो सकता है? यस। आप सस्पेक्ट के डीएनए सैंपल भिजवा दीजिए, मैं 2 मिनट में केस सॉल्व करके आपको विशिष्ट सेवा मेडल दिलवा देता हूँ। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है, सैंपल्स तो कब के भिजवा दिए मैंने? इधर तो कोई सैंपल नहीं आया जी। अच्छा, हम वहाँ आएंगे तो कहाँ कहाँ घुमाओगे? घुमा देंगे, आ तो जाओ, पूरा का पूरा घुमा देंगे। अरे मैं सॉरी मैम, अभी जाते हैं। छब्बा जी, सैंपल्स अभी भिजवा रही, पर रिपोर्ट्स आज ही चाहिए। ये दोनों पे क्यों भोग रहा है? काम आता है ना इसे? पता नहीं सर, या तो सैंपल के साथ छेड़छाड़ हुई है, या फिर दोनों सस्पेक्ट पर ये स्मेल पकड़ रहा है। राठी जी, हमें दोनों सस्पेक्ट्स का आकाश के साथ कनेक्शन ढूंढना होगा। 1 घंटे में टीम के साथ मुझे आकाश के घर मिले। ध्यान से देखो, पहचानती हो उसे? नहीं मैडम। अर्जुन सहगल या सूरज राणा, ये नाम कभी सुने हैं? नहीं मैडम। देखा है? नहीं सर। चलो, इस आदमी को जानते हैं आप लोग? नो, इजीत हो सकता है। वी स्टिल लुकिंग इनटू इट। आपने कभी ये नाम सुने हैं, अर्जुन सहगल या सूरज राणा? इफ आई फाइंड एनीथिंग आई विल लेट यू नो। पहली बार देख रहा हूँ ये चेहरा, क्या हुआ मैडम जी? बुधवार रात 12 बजे मर्डर हुआ इसका, किलर की फोटो भी है। इसे तो जानते ही होगे ना? रॉनी मर्डर, नहीं नहीं मैम, मैम ये नहीं हो सकता। मैडम, बुधवार रात को हम लोग यहीं पे भंड पड़े थे, वो हमारा सेलिब्रेशन वीक। किस बात का सेलिब्रेशन? मैम ये दुकान मेरे हाथ से निकल गई थी, तो रॉनी ने बचाई थी। कैसे? पैसे देकर? पैसे वैसे कहाँ होते उसके पास? उसने मेरा केस जिताया था कोर्ट में, कुछ कुछ ऐसा बोला कि लॉयर भी सन रह गया। मैम, आस पड़ोस में पता किया, बता रहे हैं दोनों एक नंबर के फर्जी हैं, ज़्यादातर काम इलाके के बाहर ही करते हैं, भरोसे के बिल्कुल नहीं है। कब से जानते हो उसे? जल्दी बोल, जो मैडम कह रही हैं। मैम, 2 साल के आसपास। और उससे पहले क्या करता था वो? पता नहीं, कभी बताता नहीं था इस बारे में। एक बात नोटिस किया आपने राठी जी? जी। जब दोस्त की तारीफ करनी है तो बड़ा चपड़ चपड़ कर रहा था, और जैसे ही मर्डर की बात हुई तो हकलाना शुरू। नजर रखना इस पर, शहर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। जी मैम।
हाँ बल्ला, कुछ मिला? मैम, यस मैम, ये आकाश के मोबाइल की मूवमेंट पूरे एक महीने की, और ये अर्जुन की, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और रॉनी और चड्डी दोनों के मोबाइल किसी और नाम पर रजिस्टर्ड, कुछ एक हफ्ता पुराने सिम कार्ड हैं, इन दोनों में भी कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ मैम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर कुछ? नो मैम, ईमेल्स तक चेक कर लिए गए, कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने अलिबाई लोकेशन मेंशन की थी? यस मैम, नूर मंजिल रोड, वी हैव द फुटेज। ये मैम कार का इन टाइम है, ये आउट टाइम है। सो क्लियरली मैम, कार वो 3 घंटे नूर मंजिल रोड में ही थी। पूरा एक दिन बीत गया, तुम लोग एक टुकड़ा एविडेंस नहीं ला पाए। डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? अरे बोलेगा कोई? लैब से अभी अपडेट मिला है सब। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मनी ट्रेल से मोटिव अभी थेफ्ट का लग रहा है। अरे तुम तो रहने ही दो माथुर, अपनी एकेडमी वाला ज्ञान झाड़ना, तुमसे नहीं होने वाला। किसला? बोला कुछ? सर अभी तक कुछ नहीं। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, बता दे आकाश को तुम्हारा। मैंने आकाश को नहीं मारा। ओए ठंड रख किसला, अच्छी स्टोरी बनाई है तो। मैं सच बोल रहा हूँ, स्टोरी तो आप बना रहे हो, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी काम नहीं करी ये स्टोरी आपकी। तेरी अर्जुन की गाड़ी की चाबी ला। देख, ये हम पूरी रात कर सकते हैं, तेरी भलाई इसी में कि तू सच कन्फेस कर ले। अब कितना भी मार लो सर, मैं झूठा कन्फेशन नहीं दूंगा। तेरी तुम ये तो खराब है। मेरा जैक खराब था। और तुम सच बोल दो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42। हाँ पता पता है, ये तरकीब कोई निशान नहीं छोड़ती। कर लियो कंप्लेंट की टिकट। कल रात तो शहर छोड़ के क्यों भाग रहा था? क्यों शहर छोड़ना गुनाह है? मर्डर वाली रात गफार मार्केट में तो टुन पड़ा था, जिसका सिर्फ एक ही गवाह है और वो भी तेरा दोस्त। मैम अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आजकल फोन लोकेशन 2 घंटे में मिल जाती है, ट्रेस करवा लो। जिसे ये पता हो फोन लोकेशन 2 घंटे में ट्रेस होता है, वो मर्डर करने अपना फोन नहीं लेकर जाता। आखिरी चांस दे रही हूँ, कुछ कहना अपने सफाई में? इंसान हूँ मैडम, डिटर्जेंट नहीं। कितनी बार सफाई पेश करूँ? डबल चेक करना, इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। राठी जी अंदर आइए, बैठिए। अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा था कि एसीपी सर उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं? एसीपी साहब का पर्सनल पंगा है, उनकी बेटी 8 साल पहले भाग्य किसी लड़के के साथ शादी कर ली थी, वो लड़का था दूसरी जात का, और साहब हमारे दूसरी जात वाले का हाथ का पानी तक नहीं छूते, और जिसने उन्हें भागने में मदद की थी वो था उनका दोस्त अर्जुन। जी मैम,
एसीपी साहब ने अपने एडवोकेट दोस्त के साथ मिलकर उसको फंसाया भी था, किडनैपिंग का केस लगाया था कि उनकी बेटी नाबालिग है, उस लड़के ने और अर्जुन ने मिलकर उनको अगवा किया है। वो तो एसीपी साहब की बेटी बहादुर निकली जो कोर्ट में उसने अर्जुन के पक्ष में बयान दे दिया। और हाईलाइट ये है कि एसीपी साहब आज तक नहीं जानते कि उनकी बेटी कहाँ है। वो तो मौका तलाश रहे अर्जुन को फंसाने का, मौका मिल गया। अब मैडम छोड़ेंगे नहीं अर्जुन को। हेलो आकाश मर्डर के सॉल्ट शिवानी जी, डीएनए मैच खा गया है और मर्डरर आपकी कस्टडी में है। किसका डीएनए, अर्जुन या सूरज? ये दो सैंपल दो अलग लोगों के? जी हाँ, दो अलग अलग सस्पेक्ट। ओह मैडम, तब तो आप लैब में तुरंत आ जाओ जी। ये सब फोन में समझाने वाला मामला नहीं है। ए, चल उठ जा, पानी रख रहा हूँ पी ले। ए, उठ जा। सर जी सुबह सुबह एकदम खाली पड़ा था ना तुम्हारा। चल बैठ इधर। जब तक मैं ना हूं हिलियो मत। अबे उठ जा, चल उठ, उठना। आपके क्राइम सीन से मिला डीएनए और ये रहा सैंपल नंबर वन जो आपने भेजा था। परफेक्ट मैच। हाँ मतलब रॉनी, तो प्रॉब्लम क्या है? और ये रहा सैंपल नंबर टू, ये भी परफेक्ट मैच। चौंकाने वाली बात तो ये है कि दोनों सैंपल आपस में भी 100% मैच कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? डीएनए तो बाप और बेटे का भी 100% मैच नहीं करता। मैम एक ही केस में डीएनए ऐसा परफेक्ट मैच होता है जब दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हो।
आजा लेकिन आओ आजा आना अंधेरे से अंदर चल सर ये क्या पंगा है जानते एक दूसरे को मैं शिवानी मैम को फोन करूं नहीं एसीपी साहब को फोन करो क्या आपके सस्पेक्ट्स आइडेंटिकल ट्विंस हैं सूरज और मैं जुड़वा भाई हैं जुड़वा है लेकिन भाई नहीं है मतलब ऐसा कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि इन दोनों में से मर्डरर कौन है ना मैम एक चीज है जो आइडेंटिकल ट्विंस की भी अलग होती है फिंगरप्रिंट्स प्रिंट्स के लिए तो पहले ही चेक किया क्राइम सीन मैम पुलिस क्राइम सीन पे कैसे छानबीन करती है वो तो आपको पता है मैं अपनी टीम भेजता हूँ दोबारा से चेक करवा लूँ आधा भी फिंगरप्रिंट मिल गया तो केस सॉल्व यहाँ लिविंग रूम में चेक करो ऊपर जाओ कम ऑन गाइस क्विक कुछ नहीं मिलने वाला है आ रही है आ रही है जसो आने से पहले टीजे 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 अजय जय जय एक एक ने एक एक अब बाहर आते आ रहा है आ रहा है आ रहा है ये इधर कुछ नहीं अंदर जा हाँ आ रहा है आ रहा ज़्यादा सबर मत करा नहीं तो दोबारा फोन नहीं करेंगे कह देते हैं क्या हो रहा है यहाँ कुछ नहीं अगर आपका हो गया हो तो हम कुछ काम कर ले जी मैम पहले सब अच्छा ही था घर पे We were a happy middle class family. पर जब सूरज और मैं 8 साल के थे तभी मॉम डैड के बीच में प्रॉब्लम शुरू होने लग गए कुछ अच्छा नहीं था उन दोनों की कभी बनती नहीं थी अर्जुन अपनी शर्ट पहनो मम्मा अपनी फील्ड ट्रिप के पैसे भर दिए ना हमें नेक्स्ट संडे जाना है इस महीने का खर्चा है थोड़े काम है एडजस्ट कर लेना मम्मा पक्का भर दोगे ना हाँ मैं भर दूंगी चलो अपनी शर्ट पहनो परमात ही जिसने अपनी फैमिली को जोड़ के रखा था अच्छा हमने तो सुना है कि तेरी माँ बहुत बड़ी जुआरी थी उसने कहा है बाप जुआरी सुना है माँ जुआरी पहली बार सुन रहा हूं हाँ थी एक कमजोरी तो क्या वो बुरी माँ बन गई तुम लोग रिश्वत नहीं लेते हो क्या हाँ और उन्हीं पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौना लेते हो ना क्या तुम बुरे बाप बन गए कुछ जीत जाती तो हमारे लिए फुटबॉल जर्सीज ले आती
वीडियो गेम्स आ जाते, किताबें आ जाते, लेकिन ये तो नहीं बताया होगा उसने। यूनिवर्सिटी की टॉपर थी वो, बैंक में अच्छी नौकरी भी थी, लेकिन पापा नहीं चाहते कि वो कहीं जॉब करे। डैड चाहते थे कि वो हमारा ध्यान रखे बस। फिर से जुआ खेल के आई हो? हर कोई पीठ पीछे बातें करता है। कोई क्या बोलता है क्या फर्क पड़ता है, और मैं जो करती हूँ अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ। अपने लिए करती हो तुम, सेल्फिश हो। ये सब कुछ बंद करके ना बच्चों पे ध्यान दो। मेरा सारा ध्यान बच्चों पे, तुम मुझे बताना बंद करो। अगर बच्चों पे ध्यान होता ना तो इतनी लेट घर पर नहीं आती। लूडोमेनिया कहते हैं उसे, जुए की लत। एक मानसिक बीमारी है वो, उसे समझने की जरूरत थी, उसे झगड़ने की नहीं। तुमने ये ध्यान रखा बच्चों का? मार्क्स देखे हैं इनके? और ये क्या बिगाड़ के रखा हुआ है? एक टॉपर और दूसरा, कुछ सीखो अर्जुन से। मां के देख रहे हो, मां सीखने लायक कुछ भी नहीं है, समझे? चलो अर्जुन। मम्मा, पापा मुझसे ज्यादा अर्जुन को क्यों प्यार करते हैं? ऐसी बात नहीं है पापा, क्या अपनी लेफ्ट आई को राइट आई से ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं ना पापा, आप दोनों को प्यार करते हैं, आप दोनों का भला चाहते हैं, समझे? पर चीजें धीरे धीरे और बिगड़ती गई। फाइनली पापा ने डिवोर्स फाइल कर दिया और कोर्ट के जरिए हम दोनों की कस्टडी रख ली, ये साबित करके कि बच्चों का फ्यूचर माँ के साथ सेफ नहीं है। हेल्प करने की जगह उन्होंने माँ को घर से ही निकाल दिया। माँ फिर भी हमसे मिलने आती। आज मेरा बर्थडे, शाम को आना। सूरज, मम्मा, अर्जुन, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक लाई हूँ। और पास में मैगी भी है। व्हाट्स इट? हैप्पी मील? यस मम्मा, यस। माँ, केक नहीं काटे क्या? मैगडी नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकते अर्जुन? पापा ने घर पे बर्थडे प्लान बनाया, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो पापा को बता देंगे कि बस मिस हो गई। पापा ने आज ऑफिस से छुट्टी ली है, वेट कर रहे होंगे। पर माँ, इट्स ओके झगड़ो मत। हैप्पी मील्स नेक्स्ट टाइम, ओके अर्जुन? अभी केक काट लेते हैं, ठीक है? सूरज, जैसे तू मेरे लिए सोचता है अर्जुन पापा के लिए सोचता है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अच्छा रहा। तुम्हें कहा था ना बच्चों से दूर रहो, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? आज बच्चों का बर्थडे है रवि, तुम ऐसे नहीं समझोगे। ने मॉम के अगेंस्ट परमानेंट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करवा दिया ताकि वो चाहे भी तो हमसे मिल ना पाए। पर मां मां है, बच्चों के बिना तड़पेगी।
रवि एक बार बच्चों से बात करा दो, हम भेजेंगे। बहुत मिस कर रही हूँ उनको। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चे अभी सो रहे हैं। रवि बहुत अकेले लग रहा, पता नहीं अजीब सा लग रहा, बस एक बार बात करा दो उनसे। तुम उनसे इस हालत में बात करोगे? तुम क्या चाहती हो, बच्चे तुमसे नफरत करने लगे? वो समझे कि उनकी माँ एक शराबी भी है अब? अभी मेरे, मैंने नहीं पी, बस एक बार बात करा दो। आवाज सुन लूंगी ना, नींद आ जाएगी। बस एक ठीक है, सुबह फोन करना जब उतर जाए। रवि फोन मत काटना, रवि सुबह तक मां वो दर्द झेल ही नहीं पाई। उस दिन से सूरज बदल गया। सूरज घर चल, पापा बुला रहे हैं। तू जा, मैं आ रहा हूँ। छोटी छोटी बात पर अग्रेसिव होने लगा, मुझसे लड़ता था, झगड़ता था। तू जा, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है मुझसे? साल दस साल ये झगड़े और बुरे होते गए। डैड ने बहुत कोशिश की, पर सिचुएशन हाथ से निकल गई थी। वो सूरज की हालत के लिए, हमारे झगड़ों के लिए खुद को ब्लेम करने लगा। स्टॉप इट, यस, अर्जुन पीछे हटो, बहुत हो गया, बस करो। सूरज स्टॉप इट, यस। अच्छा होता माँ की जगह आप मर जाते। क्या बोला वो? मैं लड़ता था, मैं मारपीट करता था। झूठा है सर वो, और आज से नहीं बचपन से। दो मिनट में लाल किला भेज देगा आपको। झूठा मैं नहीं, वो है। साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजना पड़ा उसे। और अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो प्लीज दिल्ली हाईकोर्ट को कॉल करिए और पूछिए उनसे कि कौन एडमिट था वहां पे एक साल के लिए। आपका केस वहीं सॉल्व हो जाएगा। हाँ पूछो पूछो, 15 से 16 की उम्र में क्यों एडमिट था वहां, वो बताएंगे आपको कैसे उसने वहां की डॉक्टर के गर्दन में पेन घुसेड़ दी थी। डॉक्टर की जान जाते जाते बच गई। दोनों पागल लग रहे हैं सर। डॉक्टर लगवाल तो अभी यहाँ नहीं है मैडम, मैं नंबर निकलवाता हूँ आपके लिए। पर ये जो पेन वाले कांड की आप बात कर रहे हो, ये तो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस है मैडम। डॉक्टर लगवाल बहुत सख्ती से पेश आते थे दोनों से, तो एक दिन दोनों में से एक भाई भिदक गया और मार दिया पैन डॉक्टर साहब की गर्दन में। दोनों में से एक मतलब दोनों वहां थे? हाँ मैडम, दोनों करीबन एक साल के लिए एडमिट थे। और डॉक्टर पर अटैक कौन से वाले ने किया? वही तो पूरा कांड है ना मैडम, किसी को नहीं पता। डॉक्टर लगवाल को भी नहीं पता कि दोनों में से अटैक किसने किया। झूठ क्यों बोला कि रॉनी साइकोर्ट में था और तुम नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि मैं वाहन नहीं था। पॉइंट ये है कि दिमाग की इलाज उसका चल रहा था, एंगर इश्यूज उसके थे और फंसा मैं। डॉक्टर पर भी अटैक उसी ने किया था। अच्छा है, अच्छा है, वो फेंक रहा आप लोग लपेट रहे हो। आगे बोल। मैं कॉलेज चला गया और सूरज बिना बताए घर से चला गया, बेकार कामों में पड़ने लग गया। घर से पैसे चुरा के जुआ खेलता और पता नहीं क्यों कभी कभी पापा की लॉ बुक्स चुरा ले जाता। डैड जाने के बाद मेरी लाइफ अच्छे ट्रैक पर थी, माय करियर, लव लाइफ, आई वाज सक्सेसफुल। पर सूरज से वो बर्दाश्त नहीं होता था, हमेशा मेरी सक्सेस से चलता, हर बात पे खुद को मुझसे बेटर साबित करने की कोशिश करता, और अगर नहीं कर पाता तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता। एक ही ऑब्सेशन था उसका, मैं। पापा के चौथे पे गया था,
वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। फिर झूठ, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे घर तक आ गया था। शोर है ना, कहीं तूने तो नहीं घुमाई है रिंग? ये पहली बार नहीं हो रहा है, मुझे पता है रिंग उसे ने चुराई है और इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये भाई कहाँ जा रहा है, बैठ जा, रिसेट यार, काम डाउन, लिसन। अगले हफ्ते तेरी प्रोजेक्ट की ओपनिंग है, तो काम पे फोकस कर, उसे मैं संभालता हूँ। इनके हाथ दुख गए मार मार के, अगर रिंग चुराई होती तो अब तक मान गया होता। मारा तेरे गुंडों ने मुझे, मैंने गिना नहीं, क्योंकि मैं एक ही मारूंगा पर उसका दर्द पूरी लाइफ रहेगा। याद रखना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था उस दिन का बदला ले रहा हूं मुझसे। दी थी धमकी तो धमकी को सबूत मान लोगे आप? क्या बोलोगी कोर्ट में कि जज साहब इसने अपने भाई को कुछ दिन पहले धमकी दी है इसलिए इसी ने मर्डर किया होगा? कोर्ट गए भी हो कभी? मुझे पता है मर्डर तूने ही किया है। मैडम एसीपी साहब बुला रहे हैं। की बातों में मत आना, वो जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। So honestly, मुझे रॉनी पर शक है, सब झूठ बोल रहा है। और अर्जुन सच, मतलब जिस समय मर्डर हो रहा था उसी समय अर्जुन 3 घंटे तक अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर रहा था। रॉनी के पास सिर्फ एक गवाह है और वो भी उसका दोस्त। अर्जुन के पास तो वो भी नहीं। रॉनी ने साफ साफ धमकी दी थी कुछ दिन पहले, आपने सुना अंदर? माथुर अगर अर्जुन इनोसेंट होता तो भागने की कोशिश नहीं करता। रॉनी तो शहर छोड़ के भाग रहा था जब उसे अरेस्ट किया। आई डोंट थिंक अर्जुन। अरे बंद करो यार, तुम ही अर्जुन का जाप लगाना। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तुम्हें अर्जुन पर तो रात खत्म होने से पहले उसकी बेगुनाही का सबूत लाओ, वरना बंद करो उसे बचाने की कोशिश। मैं अर्जुन को बचा नहीं रही हूँ सर, पर आप पता नहीं क्यों सिर्फ उसे ही दोषी साबित करना चाह रहे हैं। Right in front of my eyes. Call taxi unit से कुछ पता चला? अभी तो कुछ नहीं मैम। वो रॉनी का दोस्त चड्डी, उठा के लाओ उसे, प्रेशर डालो, शायद कुछ कन्फेस करे। जब पुलिस कुछ पूछने आए तो जो बताया वही बोलना। पुलिस? और दूसरी बार आए उससे पहले शहर से कट लेना। भाई फिर मरवाएगा क्या? मैम चड्डी लापता है मैम। क्या? मैम दुकान भी बंद है और फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। मैम हमने घर भी सर्च किया लेकिन नहीं मिला मैम। बोला था ना नजर रखने के लिए। सॉरी मैम। एक काम आपसे ढंग से नहीं होता, जाओ ढूंढो उसे।
मैडम, मर्डर की रात तक रोनी के ऊपर 20 लाख रुपए की उधारी थी, अगले दिन सुबह चुका दी। ओहो, अबे कहाँ पे डाका मारा बे? चड्डी का है। एसीबी सर को ये खबर 3 घंटे पहले मिल चुकी है, लेकिन आपको बताने से मना किया मैं। वाली रात वहां लाखों के गहनों की चोरी हुई थी, लेकिन पकड़ा अब तक कोई नहीं गया। चल जरा काउंटर पे हाथ लगा। क्यों? अरे क्यों क्या, आकाश सरदाना के घर से 20 लाख रुपए गायब थे और मर्डर की अगली सुबह तूने जाकर एक ही झटके में अपने 20 लाख रुपए का कर्जा चुका दिया। अब यही बात मैं चार्जशीट में लिखूंगा, 302 लगेगी ना, 14 साल, बाल सफेद करके निकलेगा, क्या फायदा? इसलिए जहां जहां बोलता हूं वहां उंगलियों के छाप छोड़, ज्यादा से ज्यादा चोरी का केस बनेगा, 401, 402, 442, 4 साल, वो भी गुड बिहेवियर कहकर 2 साल करा दो। अब इतना लो तो तू भी जानता, गलत कह रहा हूँ तो बता। ना सर, आप कहाँ गलत कहते हो, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जिस पैसे से मैंने अपना उधार चुकाया, वो पैसे मैंने लूट के नहीं, पत्ते खेल के जीता है। मर्डर वाली रात को भाटिया साहब के घर पे पंजाबी बाग में, पूरी रात में वहीं था, आप चेक करवा लो। मर्डर की रात को वहां था तो पहले क्यों नहीं बोला? सेक्शन 4 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट सर, 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक की सजा है और 200 रुपए की फाइन। मैं तो डर गया, कुछ गलत कह रहा हूं। इसका कहना है कि यह 2 तारीख को तुम्हारे घर पर था, जुआ खेल रहा था, सही है? हाँ, यही पर था। शुरू शुरू में तो हार ही रहा। पर अचानक पता नहीं कहां से किस्मत पलट गई सारी। पूरी रात बैठा रहा, 25 लाख लेके उठा टेबल से। ये बात कोर्ट में बोलोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, चले जाओ। अरे खोलो इसकी हथकड़ी, छोड़ो इसे, केस क्लोज, चलो। सर सर सर, आकाश मर्डर केस सॉल्व सर। क्या बात है गुप्ता जी, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं सर। मुझे पता है केस सॉल्व हो गया, अर्जुन सहगल ने ही मर्डर किया। नहीं सर, मर्डर अर्जुन ने नहीं किया है, शिवानी में फोन आया था, एविडेंस मिला है सर। हाँ माथुर, राधिका यादव वाल्मीकि अपना बयान देने आई है। इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर, उस दिन अर्जुन इन्हीं के घर ईस्ट दिल्ली गया था। इसे यहाँ कौन लाया? मैंने बुलाया सर। एक बात है जिसका तुमने अब तक सही जवाब नहीं दिया, तुमने अपने ऑफिस वालों से झूठ क्यों बोला कि तुम सुबह रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो?
मैं नहीं बता सकता, किसी की सेफ्टी का सवाल है। सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। 9669205 किसी भी साहब की बेटी। हमें कुछ पैसों की जरूरत थी तो अर्जुन वही देने के लिए हमारे घर पे आया था। ये अगली सुबह की बात है माथुरा, ऑर्डर पिछली रात को हुआ है और उस समय सूरज पंजाबी बाग में बैठकर ताश खेल रहा था, जिसका मतलब है कि वो क्राइम सीन पर नहीं था। वो तो अर्जुन भी नहीं था, वो टैक्सी ड्राइवर जिसने उस रात नूर मंजिल रोड पर अर्जुन की मदद की थी, वो शहर से दो दिन के लिए बाहर गया था, आज ही वापस लौटा है। उसका बयान और अर्जुन का बयान टिट्टो मैच करता है। सारा एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है। एक्सटेंशन तो नहीं मिली, अब जो करना है कोठी करेगी। तो सीजी 2005 अर्जुन सैगल एंड सूरज राणा वर्सेस द स्टेट। मर्डर तुम दोनों में से एक है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन 6 महीनों की कोर्ट प्रोसीडिंग्स और कई अजर्नमेंट्स के बाद भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाई है कि इन दोनों में से मर्डर कौन है। बट योर ऑनर, और पुलिस डिपार्टमेंट को इस केस में की गई अपनी इन्वेस्टिगेशन पे शर्म आनी चाहिए। इट्स अ ब्लॉट ऑन द वर्किंग ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। अब ये जानते हुए कि दोनों में से एक गुनहगार है, हम दोनों को सजा नहीं दे सकते। हमारा कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। कोर्ट दोषी को सजा देना चाहता है, लेकिन हमारा जस्टिस सिस्टम एविडेंस के बेसिस पे चलता है। भले ही 100 मुजरिम रिहा हो जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स द फाउंडेशन ऑफ आवर लीगल सिस्टम। सो विद ऑल द एविडेंस प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ दिस कोर्ट, I have no option but to declare both the accused not guilty. Arjun Sehgal, Suraj Rana, you're both free to go. Thank you, ma'am. Thank you so much for all your help. मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आप नहीं होती तो मैं शायद कभी बच नहीं पाता इससे। सर, हमने इससे पहले भी कई गुनाहगारों को छूटते देखा है, पर इस बार तो हमें भी नहीं पता इन दोनों में से मर्डर है कौन। सर ने ये सारे पुराने केसेस आपको हैंड ओवर करने को बोला है। Yes.
जानवी बहल? वो तो अब यहाँ नहीं रहती। अर्जुन और जानवी एक दूसरे को लेके काफी सीरियस थे, पर जब वो अपनी रियूनियन के लिए मुंबई गई, अचानक ही उसके काफी रैंडम मैसेजेस आने लगे थे। कैसे मैसेजेस? कि अब वो किसी और के साथ है, दैट शी इज गोइंग टू मैरी हिम। मुझे बोला कि मैं अर्जुन को बोलूं मूव ऑन करे। मैंने वो सारे मैसेजेस अर्जुन को भी दिखाए थे। आई डोंट बिलीव इट दिव्या, कुछ गड़बड़ है। जानवी ऐसा कर ही नहीं सकती। अर्जुन यार, पार्टी में सबने देखा है जानवी को उसके साथ जाते हुए। किसके साथ? मैं पता लगाती हूँ। और मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने अर्जुन को भी बताया था। हर एक्स बॉयफ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। आकाश सरदाना? यस मैम। शादी भी करने वाले थे। मेरा विश्वास करो, सच बोल रहा हूँ। वो दुबई से वापस आने के बाद तुम्हें खुद बताने वाली थी। आई रियली लव हर। जानना चाहते ना जानवी क्या है और क्या किया मैंने उसके साथ? तो सुन, मैं उसे रियूनियन पार्टी पे मिला। वहां उसकी ड्रिंक्स पाई की। मैं सुल्तान से होटल लेकर वो सब किया जो हमेशा से करना चाहता था। मैं उसे ड्रग्स देते गया, अपनी मर्जी चलाता गया। उसने भी बहुत रोकने की कोशिश करी थी, अचानक इतने ड्रग्स हैंडल नहीं कर पाई। मैं सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता था। Say, tell me you love me. अर्जुन, अर्जुन, Say you love Akash. सब ये आखिरी दम तक लगा कि तू उसे बचाने आ रहा है। 20 लाख देकर बॉडी और केस दोनों दफना दिए मैंने। अर्जुन और सूरज सहगल, मैम इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ? दोनों एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ते थे, पर एक बात कमाल की थी दोनों में, जब भी कोई तीसरा इनके बीच आता, अगली बार मैं बचाने नहीं आएगा, तो दोनों आपस की दुश्मनी भूल कर एक हो जाते और मिलकर लड़ते थे सगे भाइयों की तरह। जब तुझे पुलिस स्टेशन में देखा तो सोचा कि तू कोई एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है, पर जब तूने डॉक्टर लगवा, याद है सेम फॉर्मूला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरी लाइफ में कुछ हो रहा हो और मुझे पता ना हो। सब अच्छा जा रहा था और अचानक से जानवी गायब हो गई। आकाश के मर्डर का पता चला तो सोचा तुझसे पूछूं, पर तेरे ऑफिस पहुंचता उससे पहले तू अरेस्ट हो गया। क्वेश्चनिंग के लिए सेक्टर 30 स्टेशन चल रहा है। तूने मर्डर करके एविडेंस तो मिटा दिया,
और सोचा बच जाएगा, पर इन पुलिस वालों को मैं जानता हूं। क्राइम सीन पर हर एक एविडेंस को सूंघ सूंघ कर ढूंढते हैं और इसलिए उन्हें गुमराह करने के लिए। ये दोनों पे क्यों भोग रहा है? इन्वेस्टिगेशन फॉलो करने लगा तो पता चला एसीपी यादव इस केस पे है, तेरा पुराना दुश्मन। तभी के तभी मैंने अंदर जाने का प्लान बनाया। एसीपी की तुझसे खुंदक थी, वो तुझे छोड़ने वाला नहीं था। फुल लाइफ जेल में सड़ाऊंगा तुझे। इसलिए मैंने एसीपी को साइड पर रख के शिवानी पे फोकस किया। एक के बाद एक ऐसे हरकतें और कहानियां बनाता गया जिससे शिवानी का शक मुझ पर बना रहे। बाइक को थोड़ी चढ़ गई। क्या हुआ मैम? अगर शिवानी ने मेरी मदद नहीं की होती, तेरी मदद तो उसको करनी ही थी। मुझे पता है मर्डर तूने किया है, चाहे जो भी हो जाए अर्जुन को तो मैं बचा ही लूंगी। जब मैं श्योर हो गया कि प्लान काम कर गया है, तब भी मैंने एसीपी को सारा सच बता दिया। मर्डर की रात को वहां था तो पहले क्यों नहीं बोला? अगर शिवानी को यह गेम पता चल गया तो? अभी तक तो पता चल चुका होगा, स्मार्ट है लड़की, तो स्मार्टनेस के चक्कर में एक बड़ी गलती कर दी उसने, तुझे बचाने के लिए फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर दिया। मर्डर अर्जुन ने नहीं किया है, शिवानी में फोन आया था, एविडेंस मिला है सर। वो टैक्सी ड्राइवर जिसने उस रात नूर मंजिल रोड पर अर्जुन की मदद की थी, उसका बयान और अर्जुन का बयान टिट्टो मैच करता है। चाहेगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। और कोई सवाल? क्यों किया? मां के लिए। अर्जुन तेरा भाई है सूरज, मैं और पापा साथ रहे ना रहे, लेकिन तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है, याद रखना सूरज। बहुत प्यार करती थी तुझसे, शायद मुझसे भी ज्यादा। मेरे एहसास है तेरे लम्हात से, मेरे लम्हात है। माँ अगर आज यहाँ होती तो यही चाहती। मैंने उनके लिए कहते रहे अब बस ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अजूबा था, अब और नहीं। सब छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ।